हुंडई 215 ओल्ड वन ओल्ड न्यू वन हैव सेम हाइड्रोलिक पंप। सो अगर हाइड्रोलिक पंप के थ्रू मेन लाइन का प्रेशर चेक करना, ये दो प्लग हैं, ये पी वन के लिए है, ये वाला पी टू के लिए, और ये जो है ये पायलट पंप का प्रेशर चेक करने के लिए पोर्ट है। यहाँ पे हम पंप का भी फिटिंग लगा के दिखाते हैं, फिर इसके बाद बूम राइज करेंगे, बकेट राइज करेंगे, ओपन करेंगे, आर्म राइज करेंगे, लास्ट पॉइंट तक आर्म और बूम को लेके जाना है, बकेट को भी, अगर जिस भी चीज़ का प्रेशर लेना उसको लास्ट पॉइंट तक लेके जाना और लीवर लगा के रखना, जो भी रीडिंग आएगी वो उसकी रीडिंग है। बोल्ट को खोलने से पहले हमेशा टंकी एयर निकाल लें तो ऑयल कम निकलता है। ओके ओके ओके। बाय आईफोन 13 प्रो मैक्स। You know, rain sometime if you lost. इनको बोलते हैं जी क्विक कपलर, और समटाइम बोल देते हैं हाइड्रोलिक गेज की फिटिंग्स। तो ये पहले लगी आती थी, अब कंपनियों ने बंद कर दिया, तो ये अपने पास रखनी पड़ती है। इनको लगा के अब गेज लगाएंगे, फिर प्रेशर चेक करेंगे कितना प्रेशर आ रहा है। And the levers sometimes high. That see too much. P1 जो अगले वाले पोर्ट हैं, ये जिसमें अभी लड़का लगा रहा है, P1 ये है जिसमें लगा रहा है, उसके बाद P2, तो इनमें गेज लगानी है कम से कम 1000 kg की या 1000 bar की। मेरे पास 700 की है, तो ये भी सफिशेंट है, क्योंकि मशीन का प्रेशर कम से कम 300 से लेके 350 की रेंज में होता है। अलग अलग मशीन का अलग अलग प्रेशर है, तो इसका 320-330 के आसपास रहता है, तो अगर 300 के आसपास रहेगा तो यहाँ तक आएगा, जहाँ तक मेरा थंब है। तो हमेशा गेज डबल साइज़ की रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ओवर भी आएगा तो इसके अंदर आ जाएगा। अगर छोटी गेज रखेंगे बोले तो जिस वाला ये जो सबसे ज़्यादा हाई इसकी लिमिट है, इससे अगर कम रखेंगे, सपोज दिस फोर ये जो 400 है, अगर ये यहाँ आता तो ये गेज कम प्रेशर की होती, और अगर गलती से कुछ दिक्कत हो मशीन में, हाई प्रेशर हाई चला जाए, गेज मशीन स्टार्ट करते ही गेज यहाँ से बस्ट कर जाएगी और गेज ऑफ ख़त्म। लड़के ने दूसरी भी लगा दी, ये भी सेम रेंज की है, क्योंकि ये मेन प्रेशर चेक करने के लिए, मैंने अभी बताया P1 और P2 का, जो यहाँ पे लगाएंगे हम पायलट का प्रेशर वो 40 bar के आसपास होता है, उससे नीचे तो उसमें छोटी गेज कम रेंज की लगाते हैं। इनको वैसे तो हैंड टाइट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो हाथ से टाइट करने के लिए जुगाड़ दिया हुआ है, लेकिन हल्का सा चाबी लगा दें तो भी कोई दिक्कत। स्वामी वेट गिव मी सेकंड, ये 40 bar तक चेक करना है हमने, तो ये 40 bar से भी ज़्यादा किया है, 140 bar किया, तो ये भी इसलिए ठीक है। ओके गो, अच्छा कि होल्ड द पायलट ऑन।
bucket. जैसे ही हमने प्रेशर लेने की कोशिश की तो बूम आर्म बकेट में 200 से ऊपर प्रेशर नहीं जा रहा, तो MRV 200 के आसपास जाके रिलीज़ हो रही है, जबकि इसको होना चाहिए रिलीज़ होल्ड वन गेज, ओके बोथ गेज ये होल्ड, ओके सो इसको होना चाहिए रिलीज़ 300 के बाद, तो जबकि ये हो जाती है 200 के आसपास रिलीज़ जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया, तो हम MRV चेंज करेंगे, नई MRV लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है इस मशीन का। ओके मासा न्यू MRV, ओके वेरी गुड स्वामी, ये पार्ट नंबर है 31N6174000 रिलीफ वाल्व, अभी इसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद प्रेशर सेट हो जाएगा, मशीन वर्किंग करेगी पूरा। ओके यू टेक टूल, ये है कंट्रोल वाल्व, कंट्रोल वाल्व के ऊपर ये प्लेट होती है, ये हमने उतार दी इजी एक्सेस के लिए, हाथ आराम से जाए, और ये कंट्रोल वाल्व है, अच्छा गिव मी वन एल्बो MRV है मेन रिलीफ वाल्व, कभी भी मेन रिलीफ वाल्व खोलना हो सबसे पहले मशीन के बूम आर्म बकेट ज़मीन पे होना चाहिए, ये मैं बोलना बाद में बताया नहीं था, और कोई खोल बैठे हवा में वैसे तो नीचे आएगा नहीं, लेकिन अगर कुछ चीज़ ख़राब हो फिर भी ये नीचे आ सकता है, और यहाँ से तेल निकलेगा बहुत ज़्यादा, तो अभी इसको हम खोलेंगे और नई MRV इसकी जगह लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। ओके ओके, रिलीज प्रेशर, इफ़ यू ओपन एनी हाइड्रोलिक पाइप लाइन पाइप और एनी रिलीफ वाल्व एनी काइंड ऑफ हाइड्रोलिक थिंग, ये अभी तो इसमें लगेगी 32 नंबर की चाबी, लेकिन यहाँ चाबी घुमाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैंने 32 नंबर की डीप सॉकेट रखी हुई है, डीप सॉकेट बोल देते हैं इसको, लॉन्ग सॉकेट बोल देते हैं, इसके साथ खोलना बहुत इजी है। ओके गो, आई गिव यू लिंक, खोलना बड़ा इजी है, वेरी गुड, अगेन बिफोर यू ओपन कंप्लीटली अगेन चेक द एयर, समटाइम्स अगेन एयर इसलिए निकलवा रहा हूँ बार बार मैं, अगर एयर रहेगी सिस्टम के अंदर तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेल निकलेगा, आपका तेल लॉस करना नहीं चाहते, तो जितना हो सके कम से कम एयर इसके अंदर एयर ना हो तो सबसे अच्छा, और खोलने से पहले सारी डस्ट मिट्टी इसके आसपास जो भी हो हटा देनी चाहिए। अच्छा कम हियर, आई टेक सम पिक्चर्स फॉर अकाउंटेंट एंड ऑफिस वर्क, it's okay, so I think it's not open. It's open already. Take me one. Give me this. अभी इसमें ख़राब क्या हुआ है, इसके अंदर पॉपेट और स्प्रिंग होते हैं, कई बार स्प्रिंग की टेंशन चली जाती है और कई बार पॉपेट का फेस ख़राब हो जाता है, तो इस करके ये प्रेशर रिलीज़ करने लेती है,
क्या बता रहा था, ये रिपेयर हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। इसके अंदर पोपेट और स्प्रिंग होता है, पोपेट नया डाल दो और स्प्रिंग वैसे तो मोस्टली ठीक ही होते हैं, लेकिन अगर नया मिल जाए तो वो डाल दो, तो ये दोबारा से रिपेयर हो सकती है। और सम टाइम क्या होता है, ये जो नीचे वाला वाइट और ब्लैक रिंग है, ये कट जाते हैं, फट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो भी थोड़ा सा प्रेशर गिर जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं गिरता, मुश्किल से 20 और 30 बार का फ़र्क पड़ेगा। ओके सर, टेक दिस वन। अभी हम चेंज कर दिया और इसके बाद देखेंगे, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। हैमर भी लगा दिया अपन ने, अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कितना प्रेशर में डिफरेंस आया, 300 पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ओके ऑपरेटर स्टार्ट। ये पायलट का प्रेशर है, ये 30 बार होना चाहिए, 30 से 35, हद से 40 अगर पुरानी मशीन है तो थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। चेंज करना हो पायलट वाला, कभी कम ज़्यादा करना हो, तो ये इस टाइप का जो पंप होता है उसके अंदर यहाँ पे 6 नंबर की एलन की लगेगी, 24 नंबर का ये स्क्रू खोल के नट, इस एलन की को टाइट करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पीछे करेंगे तो घटेगा। और साथ के साथ चेक करते रहो कहाँ पे रखना है, 30 और 35 के बीच में। साथ के साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, हाइड्रोलिक फिल्टर और हाइड्रोलिक सर्विस किस टाइम करते हैं। ये जो नई मशीनें आ रही हैं इनमें हाइड्रोलिक सर्विस फुल होएगी, मतलब तेल के साथ वो होएगी 5000 घंटे पे, और जो हाइड्रोलिक फिल्टर्स हैं वो हर 1000 घंटे पर चेंज करने हैं, अगर ओरिजिनल हैं तो। अगर बाहर से बाय कर रहे हो तो फिल्टर की कंडीशन के ऊपर है कौन से फिल्टर बाय कर रहे हो। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से फिल्टर चेंज होते हैं। दिस वन इज पायलट फिल्टर, ये भी 1000 घंटे पे चेंज होगा अगर ओरिजिनल फिल्टर आप यूज़ कर रहे हो। और ये है ड्रेन फिल्टर, ये भी 1000 घंटे पे इसके साथ चेंज होगा। और एक फिल्टर टैंक के अंदर लगता है, रिटर्न लाइन फिल्टर बोलते हैं उसको, तो दूसरे वाला कैप है अगले वाला उसमें लगेगा। और ये टैंक का ब्रीदर हर 250 घंटे पे चेंज करना है। और ऑयल जो है, अगर तो हम कंपनी वाला यूज़ कर रहे हैं, ऑयल कंपनी में भी दो तरह के आते थे पहले, एक लॉन्ग लाइफ एक नॉर्मल। नॉर्मल वाला 2000 घंटे पे चेंज होता था, लॉन्ग लाइफ वाला 5000 घंटे पे। तो अगर तो कंपनी का तेल ले रहे हैं फिर तो 5000 घंटे पे चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाहर से ले रहे हैं तो तेल की कंडीशन के ऊपर है, वैसे तो 2000 पे चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो लंबा चलेंगे तो ख़राब होगा। और फिल्टर हर 1000 घंटे पे अगर ओरिजिनल है, अगर बाहर से ले रहे हैं तो 250-250 घंटे पे चेंज करो। तो आज के लिए इतना ही, मशीन हो चुकी है ओके हमारी, अब चलाने के बाद पता लगेगा 2-3 घंटे सब कुछ ठीक है कि नहीं। टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं।